उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। धर्मांतरण मामले में उमर और जहांगीर के बाद यूपी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एजेंसियों को पता चला है कि इस रैकेट में शामिल लोग कोडवर्ड का भी इस्तेमाल करते थे। कोडवर्ड के जरिए ये लोगों का ब्रेन वॉश किया करते थे। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में लगातार जांच जारी है। उन्होंने बताया, मूक बधिर बच्चों का इस्तेमाल करके कुछ और लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश करने का पता चला है। कोडवर्ड के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है। राज्य की तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि इस मामले में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में भी कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में किए जा सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मांतरण मामले में यह बात भी सामने आई है कि इससे जुड़े लोग अलग अलग कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को अब तक कुल 7 कोडवर्ड के बारे में पता चला है। इनमें पहला कोडवर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, इसका मतलब है धर्म को परिवर्तन करना। दूसरा कोडवर्ड है मुतक्की, यानी हक और सच को तलाश करना, जबकि तीसरा कोडवर्ड है सलात। एजेंसियों की डिकोडिंग के मुताबिक सलात शब्द का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता था। वहीं चौथा कोडवर्ड रहमत है, इसका मतलब है बाहर विदेशों से आने वाला फंड, जबकि अल्लाह के बंदे का मतलब कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। वहीं मोबाइल नंबर और जन्मतिथि कोडवर्ड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किया जाता था, जबकि 7वां कोडवर्ड कौम का कलंक बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश ATS ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। ATS की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी कि अवैध रूप से धर्मांतरण करने वाला गिरोह सुनियोजित तरीके से पैसे और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि धर्म परिवर्तन करने वालों के मन में मूल धर्म के खिलाफ नफरत भरी जाती थी। उन्हें रेडिकलाइज करके उनका इस्तेमाल देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में दुश्मनी फैलाकर देश के सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता था। इस सूचना पर काम कर रही ATS ने बीती 20 जून को 2 व्यक्ति, काजी जहांगीर और उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें।